साथियों और दोस्तों, मैं दिल्ली से चल के आपके बीच में अपने छोटे भाई मेहराज मलिक के लिए वोट मांगने आया हूँ। और आया हूँ अरविंद केजरीवाल का पैगाम लेकर, अरविंद केजरीवाल का सलाम लेकर आया हूँ आपसे कहने के लिए कि जो मॉडल दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य का दिया, जो स्कूल और अस्पताल दिल्ली में बने वो जम्मू कश्मीर में बनना चाहिए। और उसका सपना कोई विधानसभा में जाकर पूरा कर सकता है तो उसका नाम है ये नौजवान मेहराज मलिक। हमारे साथी मुदस्सिर, हमारे साथी यासिर, ये जाएंगे सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर। लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, अरे भाई आप तो पूरे जम्मू कश्मीर में नजर नहीं रहे। मैंने कहा आंटी को कंधा देने के लिए चार ही लोग काफी रहते हैं। अगर आम आदमी पार्टी के चार शहर पहुंच गए तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जमहूरियत को बचाने की लड़ाई होगी। विधानसभा में अस्पताल बनाने की लड़ाई होगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नौजवानों के रोजगार की लड़ाई होगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बदलने की लड़ाई होगी। इसलिए आपसे अपील करने आया हूं। और साथियों और दोस्तों, जब मुझे केजरीवाल जी ने संसद में भेजा था तो मैं तो तीन ही था, तीन थे और एक लोकसभा में थे भगवंत मान। हम चारों दोनों सदन के अंदर भाजपाइयों की नाक में दम करके आए। देखा नहीं देखा बताओ, देखा नहीं देखा, देखा ना, देखा ना। नरेंद्र मोदी इतनी दूर पे था या जितनी दूर पे झंडा दिख रहा। सदन के अंदर भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, मैंने नारा लगाया अडानी भाई भाई देश बेच के खाई लड़ाई। क्या लगाया? मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। क्यों लगाया? क्योंकि हिंदुस्तान का नौजवान, जम्मू कश्मीर का नौजवान रोजगार के लिए धक्के खाएगा। एसआई की भर्ती में उससे रिश्वत ली जाएगी, उसके साथ भ्रष्टाचार किया जाएगा। लेकिन अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, जिसको पल्ला कौन सा इंसाफ है तेरा बताओ। इस देश के अंदर जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, राज्य सरकारों के अधिकार छीने जा रहे हैं। एक ऐसी पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में सरकार में आई, अरविंद केजरीवाल ने कहा हम बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, फ्री इलाज दिया, फ्री शिक्षा दिया, फ्री बस की यात्रा महिलाओं के लिए दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री और मुनाफे का बजट दिया। हिंदुस्तान की कौन सी आम आदमी पार्टी? और आपका केजरीवाल आपका जेल में डाल दिया, बात बदल दो, तख्त बदल दो। आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया मोदी जी, आपने मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, आपने सत्येन जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया ने, केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसे स्कूल बनाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा मुझे। हमारा सपना है, हमारा सपना है कि ऐसे ही स्कूल जम्मू कश्मीर में बने जिससे पूरे हिंदुस्तान के लोग और विदेशों के लोग आके आपके स्कूल देखें। जाना दिल्ली, कभी जाना और जाकर देखना कि कैसे स्कूल दिल्ली के अंदर बने हैं।
बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं सरकारी स्कूल में, हॉकी के ग्राउंड बने हैं सरकारी स्कूल में, जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बच्चों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, उन स्कूलों को बदलने का काम केजरीवाल ने किया, मनीष सिसोदिया ने किया और मोदी ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने जेल में डाल दिया। मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, मोदी जी 1 नहीं 1005 जेल में डालोगे, लेकिन तुम्हारे आगे छूटेंगे नहीं, तुमसे लड़ेंगे, तुमसे लड़ेंगे और तुमसे जीतने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, हमारे इस छोटे भाई को इस बार विधानसभा में जरूर भेजना, जरूर भेजना, जरूर भेजना। बिल्कुल ठीक कहा, मोदी जी आके कह रहे हैं हम आपको पूर्ण राज्य दे देंगे। अभी क्या हुआ, अभी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हारे कलम में स्याही नहीं हो तो हमसे 20 पैसे उधार ले लो मोदी जी, और उसी कलम से साइन करो कि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य बन गया, तब तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे, क्योंकि भाजपा झूठ बोलने वालों की पार्टी है। मैं बीजेपी को कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी, पार्टी। नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, झूठ बोला। किसानों से कहा फसल का दाम 2 गुना करेंगे, झूठ बोला। देश के लोगों से कहा महंगाई कम करेंगे, झूठ बोला। आपको कहा इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, बैलगाड़ी में भर के लाएंगे, हवाई जहाज में भर के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना पहुंच जाएगा, जोर से बोलो, जोर से बोलो, 15 लाख 15 पैसे आए खाते में, 15 पैसे आए क्या? तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी। दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, झगड़ा कराने का काम करते हैं, किसानों के साथ झगड़ा, नौजवानों के साथ झगड़ा, पहलवानों के साथ झगड़ा, कश्मीर जम्मू वालों के साथ झगड़ा, पूरे देश में झगड़ा कराने का काम करते हैं। तो भाजपाइयों का दूसरा नाम मैंने रखा है भारतीय झगड़ा पार्टी, झगड़ा कराने वालों की पार्टी, झगड़ा कराने वालों की पार्टी। और नरेंद्र मोदी के बारे में मैं कहता हूं, होशियार रहना मोदी जी से, मोदी जी के अंदर कोई कला हो ना हो, लेकिन गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। झूठ बोलने में इतने मास्टर हैं, बोले सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं, सिकंदर कभी बिहार गया नहीं। हमारे यहां यूपी में गए खरीदाबाद, कहने लगे संत कबीर, बाबा गोरखनाथ, बाबा गुरु नानक देव एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे, पता लगा तीनों लोगों के पैदाइश में ही कई कई 100 साल के अंदर। ऐसा झूठ बोलते हैं और मुसलमानों को डराने का काम करते हो। मेराज मलिक कभी कह रहे थे आपको डराने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, मैं कहना चाहता हूं अमित शाह से, मुसलमान किसी से नहीं डरता, मुसलमान मुल्क के लिए लड़ने की बात।
तो शहीद अस्फाकुल्ला हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमेंगे, शहीद होंगे। जब इस मुल्क को बचाने की बात होगी तो अस्फाकुल्ला ने जब फांसी के फंदे को चूमने जा रहे थे उनसे अंग्रेजों ने कहा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा सी कोई खाके वतन कफन पे। यह हम मोहब्बत की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके भाईचारे की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनेगा। झगड़ा करा के लड़ाई करा के बांट के हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनने वाला नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूँ, इनसे सावधान हो जाओ, इनसे सावधान हो जाओ। संसद में इनसे लड़ता हूँ मुझे उठा के सस्पेंड कर देते हैं, सड़क में लड़ता हूँ उठा के जेल में भेज देते हैं। मेरे ऊपर 23-23 FIR किया, केजरीवाल पे FIR किया, मनीष सिसोदिया पे FIR किया, सत्येन जैन पे FIR किया, सबको पकड़ के जेल में डालते हैं। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, यहाँ तानाशाही से चलाने की कोशिश इस देश को मत करना। हम तुमसे लड़ेंगे, जेल भी जाएंगे, लाठी भी खाएंगे, लेकिन तुम्हारे आगे कभी झुकेंगे नहीं। जैसे मैं राज मलिक आपके लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे ही दिल्ली के अंदर दिल्ली के विमान देश के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे हैं। ये बेईमान भाजपाई, ये चोर, ये हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले। अरे सड़क पे चलो सड़क टूट जा रही, पुल पे चलो पुल टूट जा रहा, रेल पे चलो रेल की पटरी टूट जा रही है, संसद में बैठो संसद टूट जा रही है। भ्रष्टाचार हो रहा नहीं हो रहा बताओ? हो रहा नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी नौकरी के लिए पैसा नहीं सरकार के पास, बोलो महंगाई कम कर दो, मोदी जी कहते हैं पैसा नहीं है। अरे कश्मीर को पूर्ण राज्य दे दो, यहाँ के नौजवानों को नौकरी दे दो, बोलते पैसा नहीं है। 4400 स्कूल कश्मीर में बंद कर दिए, जम्मू में बंद कर दिए, बोलो पैसा दे दो स्कूल खुलवा दो, कहते पैसा नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं होता, दवाएं नहीं मिलती, बोलो पैसा दे दो, कहते पैसा नहीं है। आपका पैसा गया कहाँ? आपका पैसा मोदी जी ने भेज दिया अडानी के पास। अडानी कितना कर्जा दिया मोदी ने अडानी को मालूम है आपको? कितना कर्जा दिया? कितना कर्जा दिया? 2.5 लाख करोड़ रुपया एक आदमी को कर्जा दिया है, 2.5 लाख करोड़ रुपए एक आदमी को कर्जा दिया है। आपको 2.5 लाख का कर्जा होता है पकड़ के उठा के जेल के अंदर डाल देते हैं, 2.5 लाख का कर्जा होता है तो उठा के जेल में डाल देते हैं, लेकिन 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अपने दोस्त अडानी को दिया। नीरव मोदी 1000 करोड़ का कर्जा लेके भाग गया, मेहुल चौकसी 1000 करोड़ का कर्जा लेके भाग गया, जम्मू कश्मीर को जिन लोगों ने लूटा, मेराज मलिक को भेजना विधानसभा के अंदर और सुनना ये क्या बोल रहे हैं आपके। सुना कि नहीं सुना? इनके जुल्म को मत भूलना, इनकी जाति को मत भूलना। मोदी जी कहते थे 2014 के पहले, भाइयों और बहनों घर से निकलना तो अपना सिलेंडर देख के निकलना, घर से निकलना तो सिलेंडर देख के निकलना। उस समय सिलेंडर का दाम था 400 रुपए। आज संजय सिंह आपसे कहने के लिए आए मेराज मलिक को वोट देने के लिए निकलना तो वो सिलेंडर देख के निकलना जो 1200 का हो गया, 1200 का पेट्रोल 110 रुपए का, डीजल 100 रुपए का। महंगाई को याद करके जब घर से निकलोगे तो याद क्या आएगी आपको? क्या याद आएगा? 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 झाड़ू, और झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? पीछे तक हाथ उठा के निकल जाओ, और गांव की सफाई
बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो जो भाजपा वालों के दिमाग पर और यहाँ जो अलग अलग पार्टियां सत्ता में रही है उनके दिमाग पर जो भूत सवार हो गया है, झाड़ू मार मार के इनका भूत सवार। अरे बहुत खूबसूरत मुल्क है दोस्तों, बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। बगल का पंजाब है, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है झाड़ू वालों की। दिल्ली चले जाओ, झाड़ू वालों की सरकार है। अरे हमने तो गुजरात में भी 14% वोट लेके 5 सीटें जीतने का काम किया। हमने गोवा में भी 6.5% वोट लेके 2 सीटें जीतने का काम किया। आपसे झोली फैलाकर हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूँ, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी हमारे भाइयों को भेज देना, मेराज मलिक को भेज देना, मुदस्सर को भेज देना, या आपके मुद्दे को उठाने का काम करें। यहाँ का राज्यपाल सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा के गए कि 300 करोड़ रुपए की रिश्वत 2 कंपनियां उनसे मांग जो उनको दे रही थी काम लेने के लिए। यहाँ ठेका देने के बदले रिश्वत चल रही, बेईमानी चल रही है। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका भाजपाइयों ने उन कंपनियों को दिया जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे रिश्वत लेने का काम किया, बेईमानी करने का काम। तो मोहब्बत की बुनियाद पे, एकता की बुनियाद पे इन बेईमानों से लड़ना है। कोई भी धर्म नहीं सिखाता आपस में लड़ाई करना, झगड़ा करना। हमारे रामचरितमानस में लिखा है, सब नर करें परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहे, यह है हिंदू धर्म। सिख धर्म कहता है लोगों की सेवा करो, लंगर करो, लोगों को गुरुद्वारे में सेवा करो। सिख धर्म भी सेवा की शिक्षा देता है। और इस्लाम आपके नबी का नाम, आज ईद उल मिलादुल नबी के मौके पे आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, सर झुकाता हूँ कि याद रखिएगा नबी के संदेश को। क्या कहते हैं आप हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अपने नबी को? रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर रहमत करने वाला, पूरे दुनिया पर। रब्बुल आलमीन खुदा को कहते हैं, पूरे आलम का रब, पूरे दुनिया का रब। कहीं गरीबी है, कहीं भुखमरी है, कहीं तकलीफ है, और अगर मुसलमान हो, इस्लाम को मानते हो, तो सबसे पहले मेराज मलिक के साथ मिलकर सीना तान के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए साथियों दोस्तों, जो लोग नफरत की आग में आपको झोंकना चाहते हैं, जो आपस में आपको लड़ाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। हम लड़ाई की बात नहीं करते, हम पढ़ाई की बात करते हैं। हम लड़ाई की बात नहीं करते, हम पढ़ाई की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम इलाज की बात करते हैं, हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। और आपसे फिर दोहरा रहा हूं, बहादुरों को विधानसभा में भेजो, जो गीदड़ आपकी आवाज नहीं उठा सकते उनको भेजने से आपका कोई फायदा नहीं। तो क्या चुनाव निशान है आपका, साथी हैं डोडा प्रेस से हमारे साथी यासिर भाई हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और बनिहाल से हमारे साथी मुदस्सिर भाई हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार। और जो वादा आपसे हमारे छोटे भाई मेराज ने किया है, 8 तारीख को काउंटिंग पूरी होगी, इनको जिता देना केजरीवाल जी को। हमने इसी जगह पर लाए गए, और जैसे आज मैदान भरा है आपने पीछे तक, ऐसे ही पीछे तक मैदान भर देना, ये पहाड़ियों तक लोग होने चाहिए। जिताओगे ना, वादा करके जा रहे हो, वादा है ना।
दोस्तों, मैं अब प्रचार एक घंटे में खत्म हो जाएगा, इसके बाद घर घर चले जाइए, लोगों से कहिए झाड़ू चलाना है, सबको देख लिया, इस बार झाड़ू वालों को देखना है, आम आदमी पार्टी को देखना है। और जब मैं जेल के अंदर था तो बीजेपी के सितम पर, उनके जुल्म पर, उनके अत्याचार पर भगत की चिट्ठी मिली जो उन्होंने अपने भाई को लिखी थी, उसकी चंद लाइनें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। जब भगत सिंह को फांसी हो गई, उनका भाई उनसे मिलने के लिए वो उदास था, निराश था, भगत सिंह ने अपने भाई गुलजार को चिट्ठी लिखी और अंत में लिखा, उन्हें ये फिक्र है हर दम नया तर्जे जफा क्या है। उन्हें यह फिक्र है, मैं बीजेपी के लिए मोदी के लिए अमित शाह के लिए कहना चाहता हूं, उन्हें यह फिक्र है हर दम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है, हमें भी शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। इनके सितम के खिलाफ, इनके जुल्म के खिलाफ, इनके अत्याचार के खिलाफ आपका भाई है, आपका बेटा पिछले 15 साल से आपकी लड़ाई लड़ रहा है। आज वक्त आ गया है, जैसे आपने इसको जिला पंचायत के अंदर भेजा, ऐसे ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भेजना आपकी आवाज को उठाने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।